गाइस, आई हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं आपका साउथ फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। तो आप सभी की फ्रेंड एक बार फिर से हाजिर है एक नई अपडेट लेकर। बात करेंगे दोस्तों साउथ की मशहूर अदाकारा रश्मिका मंदाना की। साउथ स्टार रश्मिका मंदाना के घर पर बड़ा आयकर विभाग का छापा। फिल्म के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेने की है वाह। कन्नड़ फिल्म स्टार रश्मिका मंदाना को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। दरअसल खबरें हैं कि साउथ स्टार रश्मिका मंदाना के घर पर आईटी विभाग के अधिकारियों ने छापा मार दिया है। वैसे तो बॉलीवुड और साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मिका को आज के समय में कौन नहीं जानता है। वह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इस समय एक्ट्रेस रश्मिका के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने छापा मार दिया है। यह छापा इन अफवाहों के बाद आया जब वह दक्षिणी की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली एक्ट्रेस बनी। हालांकि रश्मिका मंदाना ने एक्ट्रेस होने की बात को अफवाह करार दिया है। ऐसे में आयकर विभाग ने अदाकारा के कोडागु जिले के विराजपेट घर पर रेड डाली है, लेकिन जिस वक्त से छापा पड़ा उस वक्त अदाकारा घर में मौजूद नहीं थी और अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर थी। छापे के वक्त उनके घर में पिता मौजूद थे। वैसे तो कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में आयकर विभाग के अधिकारी 3 कार में आए थे और अदाकारा के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां कलेक्ट कर रहे थे। हालांकि अभी इससे आगे कुछ और जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इनकम टैक्स की रेड इन अफवाहों के बाद पड़ी है कि रश्मिका दक्षिणी की सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली एक्ट्रेस में से एक है। हालांकि जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा, मैं तो अभी फिल्मों में बेबी स्टेप्स ही ले रही हूं और बिल्कुल भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से नहीं हूं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका ने कहा, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पैसा फिल्म का लेती हूं तो मुझे शॉक लगता है। पता नहीं यह न्यूज कहां से फैल रही और कहां से कहां जा रही है। मेरे पास बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैं अभी एक न्यू कमर ही हूं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि रश्मिका ने आगे कहा कि अगर मुझे वहां पहुंचना है तो मुझे बिना ब्रेक लिए हुए 6 साल तक लगातार काम करना होगा, फिर मैं सबसे अधिक पैसा पाने वाली एक्ट्रेस बन जाऊंगी। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वहीं रश्मिका कन्नड़ फिल्म क्यूरिक पार्टी में फेमस हुई थी और हाल ही में महेश बाबू की तेलुगु फिल्म सरेलरु निकेवरु में नजर आई थी। हालांकि रश्मिका मंदाना तमिल फिल्मों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं और तमिल फिल्मों में भी काम कर रही हैं, लेकिन अब सामने आ रही ये लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो रश्मिका मंदाना के फैंस को काफ़ी परेशान कर सकती है। वेल दोस्तों, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। today.com पर भी हमारे न्यूज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। Till then, bye bye, take care, keep watching today's Tamasha South.